शंका के आधार पर पूछताछ करने पर नौकरानी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने नौकरानी को हिरासत में लेकर नौकरानी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। महाकाल टीआई मुनेंद्र गौतम ने बताया कि सिंहपुरी चौक में रहने वाले दिनेश पिता सदाशिव शर्मा 65 वर्ष महाकाल मंदिर में पुजारी हैं। उनके घर से 38,000 रुपए चोरी हो गए थे। रुपए चोरी होने पर उन्होंने अलमारी देखी तो उसमें रखी दो चेन चांदी के रुद्राक्ष जड़ी दो माला चांदी से बनी नाग नागिन की प्रतिमा चांदी के सिक्के भी गायब मिले। उन्होंने मामले की शिकायत थाने पहुंचकर दर्ज कराई और नौकरानी पर शंका जाहिर की। मामला जांच में लेकर नौकरानी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया तो वह टूट गई। उसने आभूषण पिछले महीने और रुपए कुछ दिन पहले चोरी करना कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर आभूषण बरामद कर लिए गए हैं, कुछ रुपए मिले हैं, शेष की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि चोरी करने वाली नौकरानी कमलाबाई अधेड़ है, वह रात्रिया की रहने वाली है। 3 सालों से पुजारी के यहाँ साफ सफाई का काम करने आ रही है। आभूषण देख उसकी नीयत खराब हो गई थी, चोरी के बाद घर ले जाकर छुपा दिए थे। पुजारी को 1 माह तक आभूषण चोरी होने की जानकारी नहीं लगी। कुछ दिन पहले 1,000 रुपए देख उसे भी चोरी कर लिए, जब रुपए गायब हुए और नहीं मिलने पर वह शंका के घेरे में आई है। ये कल एक महाकाल मंदिर के पुजारी हैं दिनेश शर्मा जी, इनके घर पे ही इनकी नौकरानी है जो पिछले 3-4 वर्ष से इनके घर पे काम कर रही थी, उसके खिलाफ एक प्रकरण पंजीबद्ध कराया था चोरी का, जिसमें 40-50 हज़ार रुपये नकद और कुछ सामान था घर का। तो उसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ था कल, और बाद में आरोपिया की तलाश करने पर जो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गया मशरू का उसे बरामद किया गया। कितनी महिलाएं थी और कितना माल बरामद हुआ? इसमें एक ही महिला थी जो उनके घर पर काम करती थी और रातड़िया की रहने वाली है। जो पैसा उसने चुराया था उसमें से 35,000 के लगभग है नगद पैसा, और कुछ दो चांदी की चेन और कुछ चूड़ी वगैरह जो और चांदी के सिक्के वगैरह इसमें बरामद।